बस्तर टाइगर इस नाम से ये किताब कभी इमोशन हुआ। बस्तर बहुत खूबसूरत जगह है हमारे छत्तीसगढ़ की, और उसे देखने के लोग बड़े लालायित रहते हैं, लेकिन एक डर भी रहता है नक्सलवाद वाला, जिसकी वजह से लोग वहां पहुंचने से पहले संकुच भी करते हैं, खासतौर पर बाहर के लोग जो है रह चुके हैं उनके मन से डर खत्म हो चुका। आप गए हैं बस्तर के भीतर के जंगलों तक, आप दोनों ही गए हैं कभी? हाँ, इस किताब पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम जंगल से ही करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ जंगल बहुल राज्य है। तो जी बिल्कुल, बस्तर हम लोग फ्रीक्वेंटली जाते रहे हैं पहले भी, और जब इस किताब के लिए हमने काम करना शुरू किया, और इससे पहले झीरम का अधूरा सच पर जब लिखना शुरू किया तो हमारा वहाँ जाना बहुत ही फ्रीक्वेंटली हुआ। तो बस्तर इतना खूबसूरत है कि बारिश के मौसम में खासकर वहाँ के झरने और वहाँ का जो ग्रीनरी पूरा एक देखने को मिलता है, वो हरियाली आपको कहीं और, छत्तीसगढ़ तो दूर, पूरे भारत में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इतने इतनी खूबसूरत जगह है। तो बस्तर जाना अक्सर लगा रहता है हम लोगों का, और बहुत पसंद है हम दोनों को ही जाना। आपका तो बचपन बिल्कुल ही, मतलब बताइए, बस्तर के जैसी खूबसूरत जगह मैं बता भी रहा था कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और बस्तर के लोग भी बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आपने एक बात बताई थी यूरोप की खूबसूरती और बस्तर की खूबसूरती को लेकर के चर्चा की थी। हाँ बिल्कुल, मतलब ये हम दोनों ही इस बारे में अक्सर बात करते हैं, और बस्तर के कई हिस्से मैं हर बार बोलता हूँ, और शायद प्रीति जी भी इस बात से सहमत हैं कि यूरोप से अधिक खूबसूरत बस्तर के कई हिस्से हैं जिन्हें अभी भी एक्सप्लोर किया जाना बाकी है, अभी भी देश और दुनिया के लोगों को देखा जाना बाकी है, इतने खूबसूरत हैं वो जगह। और वाकई बस्तर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही खूबसूरत है। बस्तर टाइगर के नाम से आपकी किताब है, और टाइगर का क्या इतिहास रहा बस्तर में, कैसे, कब रहे टाइगर और कब से टाइगर अब नहीं है? वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत टाइगर की चर्चा पूरे विश्व भर में भी है, उसके बारे में भी कुछ बताएं, आपने उसके बारे में। देखिए, अगर आप बात करें तो बस्तर में टाइगर का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, और अगर 40-50 वर्षों पहले की मैं बात करूं तो चेंद्रू नामक एक युवक हुआ करता था, जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, यूरोप की एक महिला डॉक्यूमेंट्री बनाती है, पुस्तक उसके ऊपर छपती है, जो कि शेर के बच्चों के साथ खेला करता था, शेर के साथ वह जंगलों के घने जंगलों के बीच में रहा करता था। तो बस्तर में टाइगर का इतिहास, शेर का इतिहास बहुत पुराना रहा है, और हाल फिलहाल भी बस्तर में शेरों को देखे जाने की, बस्तर में शेरों को मिलने की खबरें वन विभाग के अफसरों की तरफ से आती रही हैं, शेर जो है लगाए गए कैमरों में देखे गए। महेंद्र कर्मा जी, जिनके बारे में किताब लिखी गई है, उनके नाम के साथ बस्तर तो हमेशा से रहा, क्योंकि बस्तर के हैं वो, उनका गाँव है वहां पर, उस इलाके के हैं, लेकिन उनके नाम के साथ टाइगर शब्द कैसे जुड़ा? देखिए, उनका जो जीवन है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ संघर्षों से भरा रहा। वह उस क्षेत्र से आते थे जहाँ पे कुछ लोग जो है यह कह रहे थे कि जो क्रांति है, वह क्रांति जो है बंदूक की गोली से निकल कर आती है, और महेंद्र कर्मा उन घने जंगलों के बीच यह बात कर रहे थे कि हमारी आस्था लोकतंत्र पर होना चाहिए, हमारी आस्था जो है गांधी की अहिंसा पर होना चाहिए, हमारी जो विचारधारा है वो नेहरू की विचारधारा से प्रभावित होना चाहिए। उनके ऊपर ऐसे लोग कई बार हमला करते हैं, महेंद्र कर्मा उन हमलों में बाल बाल कई बार बचते हैं, परंतु वह घबराते नहीं हैं। तो क्षेत्र की जो लोकल जनता है, जो ग्रामीण है, उनको बस्तर टाइगर के नाम से खुद ही बोलने लगते हैं, और वह आज भी बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और दुनिया की मैं बात करूं, विदेशों से भी पत्रकार उनके पास आते थे और वह बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बारे में जानना चाहते थे। ये जो किताब लिखी गई, ये लगभग एक साल का वक्त लगा इसको लिखने में, ऐसा आपने पिछली बार भी बोला था, पूरा रिसर्च करने में, एक एक चीज सब जानने में, इसकी शुरुआत सोच से पहले, जब आपने झीरम वाला पहलू लिखा था किताब के साथ, उसके पहले ही आपने बस्तर टाइगर पर लिखने की सूची थी, एक बार चर्चा में किताब सम्मेलन में आपसे बात हुई थी, तो आपने एक बार जी क्या हुआ था, देखिए इनफैक्ट अराउंड जनवरी 2013 में कर्मा जी से पहले मुलाकात हम लोगों की हुई थी राधेश्याम भवन में, विद्या चरण शुक्ल जी के से मिलने गए थे हम लोग, और वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई, और बस ऐसी ही बात हुई कि घर आइएगा चाय पर, वो आए
जनवरी 2000 में अचानक आए, 13 में अचानक, हाँ, आए, अचानक आ गए और चाय पी करके ही गए यहाँ से। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें अपने हाथों से चाय बनाकर चाय पिलाने का। उस दौरान ही देखिए महेंद्र कर्मा जी का बात आएगा तो सलवा जुलूम, तो उस पर डिस्कशन हुए और हम लोगों ने उसी समय करते करते हुआ कि बात ये आई थी उसी समय कि हम लोगों को इस पर कुछ लिखना हम लोग चाहेंगे और आपके लाइफ पे कुछ लिखना चाहेंगे। उन्होंने खुशी खुशी कहा था कि बिल्कुल ये आप लोग शुरू करिए। इस तरह की बातें पर वही चाय के पर चर्चा के दौरान इस तरह बातें हुई और देखिए विधि का विधान कि उसके कुछ महीनों बाद ही वो चल बसे। और फिर जब हम लोगों ने झीरम का पर पुस्तक लिखा और सबसे मुलाकात हुई, परिवार से मुलाकात हुई, तो इस पर काफ़ी कुछ हमारे पास मटेरियल उस वक्त भी इकट्ठा हो गए थे। तो उसके बाद अब पिछले 2 सालों में हमने इस पर काम करना शुरू किया और फाइनली आज ये पुस्तक के रूप में उनकी बायोग्राफी महेंद्र कर्मा जी की। और बताना चाहेंगे इस पुस्तक का विमोचन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने हाथों से करते हैं और उन्हें इस पुस्तक के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी बातें भी पता चली जो उन्हें खुद महेंद्र कर्मा के बारे में पता नहीं थी। दोनों बहुत अच्छे कलीग थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जब महेंद्र कर्मा नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तब श्री भूपेश बघेल उपनेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। दोनों सदन में मिलकर आदिवासियों के हित का मुद्दा उठाते थे, दोनों सड़क में जो है जनहित के आंदोलन करते थे। तो इस तरह से ये यात्रा शुरू होती है। मुख्यमंत्री जी की आपने बात की, तो मुख्यमंत्री जी की बात हम मध्य प्रदेश के जमाने से भी, अगर जब अटैच्ड मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह के साथ भूपेश बघेल जी, तो उस दौरान भी अभी एक चैनल का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, कुछ चर्चाएं कर रहे थे कि जब दिग्विजय सिंह जी ने उनको सीढ़ी के पास खड़े रहने का एक काम दिया था कि आप यहाँ पे खड़े रहे। उस दौरान एक ये भी बात हुई, कर्मा जी की भी बात आई थी और इस किताब में भी आपने लिखा है कि जब यहाँ पर अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान चूंकि अजीत जोगी अफसर थे, अफसरशाही यहाँ पर हावी थी, उस दौरान महेंद्र कर्मा जी और भूपेश बघेल जी ही दो ऐसे नेता थे। इस विषय में आपने चर्चा की, इसको थोड़ा सा अगर विस्तार दें तो। वाकई मैं कहना चाहूंगा कि जब सारे नेता आंख बंद करके उनकी ऐसी बातों पे भी सहमति दे रहे थे जो सहमति देने लायक नहीं थी, तब सिर्फ दो नेता खड़े होते हैं जो उनके कैबिनेट में भी रहते हैं और उस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। पहले नेता थे महेंद्र कर्मा और दूसरे नेता थे श्री भूपेश बघेल। वह दोनों उनके देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सम्मान किया जाना चाहिए और वह ऐसे बातों पे असहमति व्यक्त करते हैं जो सहमति देने लायक नहीं थी। और ये कमाल सिर्फ महेंद्र कर्मा और भूपेश बघेल ही मेरे को लगता है कर सकते थे। और ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव भी है। हाँ। उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे पार्टी चलती है तो उनके सरकार में ये देखने को मिलता ही है कि लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं वो लोग, तो आपसी असहमति को भी जाहिर करते हैं और बिल्कुल मिलजुल कर सरकार चलाते हैं। जी, ये किताब जो लिखी गई, इसके पहले भी कई किताबें लिखी गई हैं। आपने आरटीआई एक्टिविस्ट रहते हुए कई सारे ऐसे मामले हैं जो जनता के सामने लाए। आपने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों के दौरान चीजों को लोगों तक पहुंचाया। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं आप लोग के विषय में जान रहा, आप कलकत्ता से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, बंगाल बिल्कुल उल्टा साइड है। टाइगर की बात कर रहे हैं, इसलिए बंगाल का जिक्र मैं कर रहा हूँ जंगल टाइगर बंगाल जी, और हमारे देश का सबसे बड़ा वो एक नाम है बंगाल टाइगर, इसलिए तो ये टाइग्रेस कैसे मिल गई आपको? तो हाँ, तो वो आप कैसे मिली, कैसे आई, ये तो आप ही विस्तार से बता सकती हूँ। देखिए पहली बार कब देखा आपने कुणाल जी को, इसको जरूर जिक्र करिएगा। बिल्कुल जी, देखिए हम तो वर्किंग जॉब में थे, बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हुए इनफैक्ट, तो रायपुर आना हुआ था ट्रांसफर, बैंक में ट्रांसफर्स होते रहते हैं, हमारा ट्रांसफर हुआ था और मुलाकात बैंक वगैरह में ही कहीं हुई। बिल्कुल बैंक में ही हुई पहली मुलाकात, बस वही टाइगर और टाइग्रेस की मुलाकात थी तो हो गई, विधि को वो मंजूर था। और तो आप रोज पैसे जमा करने जाया करते थे बैंक के बाहर? इनसे 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 मिलने के लिए पैसे जमा करने के बहाने जाया करता था बैंक।
और हम और इंटरेस्टिंग बात फिर आपको ये बता दें कि हम करंट अकाउंट बिजनेस हैंडल करते थे, पैसा लेन देन सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट का हमसे कोई लेना देना नहीं था, पर इसके बावजूद वो आते थे, लॉकर की भी इंक्वायरी लेकर आते थे और मतलब बैंक में भी अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, तो आई वॉज हेडिंग बिजनेस बैंकिंग, करंट अकाउंट बिजनेस हेड कर रहे थे हम यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो कोई लेना देना नहीं था हमको लॉकर के रेंट और ये सब की इंक्वायरी जो ये करने आते थे हमारे पास। केंद्र सरकार की एक नौकरी करते हुए आपने बैंक में शिफ्ट किया जी, उसको छोड़ा आपने और फिर बैंक में आ गई। कुणाल जी के लिए शायद विधि को यही लिखा हुआ विधान यही था शायद, इस मैं हमेशा डेस्टिनी बोलता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ उससे ज्यादा ये मानते, देखिए लाइफ के कुछ चॉइसेस होते हैं, आप डिसाइड करते हो और जैसे जैसे आप चॉइस करते हो अपने डिसीजंस, आपको बहुत बार कई दोराहे चौराहे मिलते हैं और उस वक्त जो आप डिसीजन लेते हो तो ये डेस्टिनी के कारण होता है या आप चूज करते हो और एक पथ आपका रास्ता निकलते जाता है, ये है कि आपको चलते रहना पड़ता है और जो मौके आते हैं उसे एनालाइज करके मौके का के अनुसार काम करते रहने से कुछ ना कुछ होता रहता है जी। आप तो केंद्र सरकार की भी नौकरी पर रही, फिर बैंक के जॉब पर रही, रायपुर आना हुआ आपका, जिस समय पर आपकी मुलाकात हुई तो आप उस समय पर एक्टिविस्ट बन चुके थे कि पढ़ाई कर रहे थे, क्या टाइम क्या था वो? हाँ बिल्कुल, देखिए एक्टिविज्म तो 2004-05 से चल रहा है और ये यात्रा आज भी जारी है और मैं ये कहता हूँ कि इस यात्रा का अंत जो है अब आगे जाके जब भी मृत्यु को प्राप्त होंगे तभी होगा, क्योंकि देखिए मृत्यु से बड़ा शाश्वत सत्य तो कुछ भी नहीं है। तो जनता के लिए काम करते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप दोनों की जब मुलाकात हुई तो आप एक्टिविस्ट बन चुके थे? बिल्कुल बिल्कुल बन चुके थे और इनको मालूम था, पर जो हाँ और ये एकदम अलग तरह का कॉम्बिनेशन था, एक गवर्नमेंट जॉब में थी और मैं एक्टिविस्ट था, जबकि ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो है एक सिक्योर लाइफ चाहती हैं, मेरा जीवन बहुत अनसिक्योर रहा है, कई तरह से जो है मुद्दे जनहित के उठाने के कारण लोग भी दुश्मन बनते गए, कई तरह के जो है खतरे रहे जीवन में, पर उसके बाद भी इन्होंने मुझे स्वीकार किया, ये इस बात का मुझे गर्व है। तो आपने मतलब ऐसा क्यों किया? ये स्वीकार करने वाली बात को हम थोड़ा सा डिसमिस करेंगे, देखिए टीम वर्क है ये हमेशा से और जोड़ियां शायद हाँ भगवान बना के भेजते हैं, तो आई एम श्योर हमारी तो बनी गई थी वही। और पहली बार कि ये बैंक में अकाउंट के बारे में पूछताछ करने नहीं आते हैं, पहली बार में समझ आ गया था। अच्छा जी क्वेश्चन ही ऐसे थे जो जो सिंसियर कस्टमर होते हैं वो उनका क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है, वो समझ आ गया था पहले ही। अच्छा। तो फिर उसके बाद बैंक से बाहर मुलाकात कब हुई या फिर यहाँ तक बात कैसे पहुंची घर तक? अब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल भी है कुछ बातें उसे इससे दूर रखते हैं। आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की खूबसूरती ने ही हमें एक साथ जोड़ा, क्योंकि हमें भी झरने और यहाँ के जो सिरपुर तरफ आप जाइए तो जो खूबसूरत वहाँ पर आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कुछ देखने को मिलते हैं, तो वो कॉमन इंटरेस्ट और वो था जो हमें देखने का, हमें भी देखने का शौक था, इन्हें भी, तो हम दोनों देखने जाते थे साथ में और इस तरह से भेंट मुलाकात हमारी होती थी। आप जाती थी हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहा था और धीरे धीरे जो है वो मित्रता बढ़ती गई और जो है अंततः विवाह उसका जो है पढ़ने मतलब आपने मित्रता शब्द का उपयोग किया तो मित्रता तो आपकी तरफ से शुरू नहीं, देखिए मित्रता आप मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, मित्र हम लोग आज भी हैं और मैं हर बार ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं कि मेरी आज जो सबसे अच्छी दोस्त है वो मेरी पत्नी है, तो वो मित्रता पत्नी से अच्छा कोई हो नहीं सकता, जो अच्छी सलाह भी देती हैं और कुछ बुरा या कुछ जो गलत होता है उस पर रोकती टोकती भी हैं, तो आज मित्रता दिवस भी है, तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्र का उत्थान चाहे और वो प्रीति जी हमेशा चाहती हैं और ये म्यूचुअल है, तो मेरे लिए भी हम ये बिल्कुल सबसे अच्छे मित्र मेरे ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड माय लाइफ पार्टनर मिस्टर कुणाल शर्मा। आप दोनों ना मैटर को सीरियस कर दे रहे हैं हम लोग ना जानबूझ के ना मैटर को सीरियस कर रहे हैं, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी ना हंसी और ज्यादा अगर आए चीजें, आप लोग चीजों को बताना नहीं चाह रहे, जो बाहर ऐसी है ना
समाप्त कर रहे हैं चीजों को। कोई बात नहीं, इस बार ना हम एक अलग से एपिसोड करेंगे निश्चित, बिल्कुल अनऑफिशियल कुणाल शुक्ला एंड प्रीति, ऐसा हम एक एपिसोड जो हमारा चल रहा है अलग अलग लोगों के साथ एक आपके साथ करेंगे। इंतजार रहेगा और हर बार आप बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं, मैं बोलता भी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने ऐसा बोला, और इसके लिए अभी मुझे लगता है कि मैं शायद भी बहुत सीखने अभी बचा है मेरे लिए। लेकिन किताब से लेकर के आपकी लाइफ तक, टाइगर से लेकर के आपके नेटिव प्लेस की अगर हम कनेक्शन जोड़ा गया, हमने इस पे बात की सारी चीजें, इस किताब पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस पे जितनी भी घटनाएं लिखी हुई है कर्मा जी के राजनीतिक सफर से लेकर के उनके झीरम का जो वो दिवस था जिस दिन गोलीबारी हुई, नक्सलियों ने ये सारी चीजें की, नक्सलियों को लेकर के, बस्तर को लेकर के एक उत्सुकता लोगों में बड़ी बनी हुई रहती है, लेकिन वहां पर नक्सलवाद को लेकर के डर रहता है। कर्मा जी वहां पर रहते हुए इनके ऊपर कई बार अटैक हुए, नक्सलियों के साथ इनके मतभेद बहुत ज्यादा थे, इनके घर में भी कई बार अटैक किया गया, फिर भी ये लगातार एक कार्यक्रम करते रहे। सलवा जुड़ूम, सलवा जुड़ूम आखिर इसके बारे में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो विस्तार से नहीं जानते। देखिए सलवा जुड़ूम में को लेकर इस किताब में पहली बार महेंद्र कर्मा का पक्ष आया है, और इसके बारे में, इस विषय के बारे में मुझे लगता है प्रीति जी आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी सलवा जुड़ूम देखिए, हाँ जैसा जैसा कुणाल जी ने कहा कि आज तक इस पे बहुत बुक्स लिखी गई हैं, आप उठाएंगे रेड रेड टेरर से लेकर के तमाम तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, और जितनी किताबें और रेड कलर की भी कवर में आपको मिल जाएंगी, और ज्यादातर जो राइटर्स हैं वो आपको छत्तीसगढ़ के बाहर के ही मिलेंगे, और सब ने एक तरफा एक्सट्रीम लेफ्ट का जो विजन था, और हम तो वर्ड भी यूज करेंगे, लिखने वाले ज्यादातर वो मानवाधिकार आप बोलिए या जो जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी ले गए, और उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा अरबन नक्सली जिन्हें बोला जाता है उन लोगों का, तो उस तरह का राइटअप मिलता है, उस एक्सट्रीम विजन का ही राइटअप मिलता है, और महेंद्र कर्मा जी को बिल्कुल एक विलन की तरह प्रस्तुत किया जाता है। आप जब भी गूगल पे भी सर्च करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो हमने सारी तमाम बुक्स पढ़ी इस पर। महेंद्र कर्मा जी का जो अपना वर्जन था, और सलवा जुड़ूम तो बहुत बात का है, 91 में उन्होंने जन जागरण अभियान शुरू किया था, उनका जो वर्जन और वो किस तरह से आदिवासियों का हित चाहते थे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए और नक्सलियों का विरोध करते हुए, वो एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे, नक्सलियों के लिए वो एक थ्रेट थे, और इसलिए ये पूरा एक जो माहौल बनाया गया सलवा जुड़ूम को लेकर के। देखिए कोई भी अभियान जब शुरू होता है तो कुछ उसमें असामाजिक तत्व आ सकते हैं, उसकी दिशा दशा कुछ हद तक बिगाड़ने के सकती है, बिल्कुल बिगाड़ने के लिए इम्प्लांट भी किया जाता है, तो लेकिन इस सलवा जुड़ूम के पीछे की जो मानसिकता थी, जो सोच था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, नक्सलियों का सफाया, बस्तर से छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया, एक तरफा सफाया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक स्वफूर्त आंदोलन था। आप ये बुक पढ़ेंगे जब, आपको इसमें डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरह से सलवा जुड़ूम ग्रामीणों ने शुरू किया, और अफकोर्स बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी ने इसे अपना लीडरशिप दिया और वो इस आंदोलन को आगे ले गए, और बाकी पहलू आप किताब पढ़िए, उसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ी किताब, लेकिन इन चीजों का जिक्र था, इसे मैंने इसको कहा। ऐसे लोगों के लिए आपने जो किताब दी, किताब लिखी, इसके पहले जो किताबें मैंने भी पढ़ी, जैसा कि आपने बताया कि लाल कवर में किताब को लिखा गया, नाम भी ऐसा दिया गया कि जो बाहर के लोग पढ़े तो टेरर रहे, उनके भीतर डर रहे कि छत्तीसगढ़ नहीं जाना है, वहां पे मार दिया जाएगा। 15 साल से मैं हूँ, मैं भी लाइव हूँ, आप लोग इतने सालों से यहाँ पे, बस्तर जैसा कि आपने बताया कई सारी ऐसी जगह हैं जो यूरोप जैसी जगहों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वहां पर गए होंगे आप, तो आपको पता चला इन सारी विषयों के बारे में। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग मतलब इस तरह से प्रेजेंट करते हैं छत्तीसगढ़ को, खासतौर पर बस्तर को लेकर के। कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ के IAS IPS अधिकारी थे, तो उनसे जब पूछा गया कि आपकी पोस्टिंग वहां हुई थी, तो उन्होंने भी इस बात को बोला कि जब हम पहली बार आए थे तो हमारे फैमिली वाले बोल रहे थे कि भाई एयरपोर्ट में उतरने के बाद कहाँ जाओगे, एयरपोर्ट में ही ना मार दे, ये डर, इसको क्या बोले जो बदनाम करने में लगे। देखिए छत्तीसगढ़ को ना कुछ एक खास मीडिया के लोगों ने, कुछ एक खास तबके ने बदनाम किया, जिनको हम अरबन नक्सली गैंग कह सकते हैं,
छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, और जो छत्तीसगढ़ में जब आया वो छत्तीसगढ़ को ना भुला पाया ना यहाँ से निकल पाया, ये बात हकीकत है। लोगों ने ये किए, हाँ मतलब वो हाँ। और सबसे बड़ी बात है ये, आपको भी शायद आपने भी सुना होगा, मैंने भी हर बार सुना कि अगर आप दिल्ली में, बॉम्बे में या यूरोप के किसी शहर में किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको लगता है कि रायपुर का जो विवेकानंद एयरपोर्ट है वहाँ से बाहर निकलते ही एक AK-47 लिए हुआ आदमी खड़ा हुआ है और वो आपको मार देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस्तर के लोग बहुत अच्छे हैं और बस्तर में अब धीरे धीरे लोगों में जो भय था, नक्सलियों ने एक भय जो व्याप्त करके रखा था वो भी अब समाप्ति की, और आप देखेंगे 3-3.5 सालों में 4 सालों में भूपेश बघेल सरकार ने जो डेवलपमेंट किया है, जो स्कूल बनाया और सड़कें ऐसी जगहों पे भी बनी हैं जहाँ पे सड़कें 70 सालों में बन नहीं पा रही थी, सामुदायिक भवन ऐसे जगहों पे भी बने हैं जहाँ पे सामुदायिक भवन आज तक नहीं थे, बिजली ऐसी जगहों पे ऐसे गांवों में पहुंच गई जहाँ पे बिजली 70 वर्षों में नहीं थी। तो लोग अब उस डेवलपमेंट को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ना कि उस आतंक को। तो आप लोग छत्तीसगढ़ के बारे में ये जो धारणा है इसको बिल्कुल निकाल दीजिए, छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है, छत्तीसगढ़ हमारा यूरोप से भी खूबसूरत है, बिल्कुल आना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती आपको इसको देखने आना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ का खान पान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन देखने आना पड़ेगा। समय की पाबंदी है और प्रीति जी के ऑलरेडी कई सारी चीजें पेंडिंग में है, वेटिंग में है, तो हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। लेकिन एक आरोप है जो जनता का आरोप है, लोग कहते हैं जल्दी, और ये प्रीति जी के फेवर वाला है ना, मतलब ऐसे लोग जो प्रीति जी को बहुत पसंद करते हैं, उनके समर्थन है, समर्थक है, वो लोग बोलते हैं कि आप किसी भी कार्यक्रम में प्रीति जी का स्पेस ना आप खुद कवर कर लेते हैं, तो अटेंशन वाली जो बात होती है इन चीजों को लेकर के। इस बात पे मेरी आपत्ति है, और इस पुस्तक के विमोचन में तो मंच से लोगों ने ये कहा है कि इस पुस्तक की मुख्य लेखिका शब्द एक आया है, मुख्य लेखिका प्रीति जी है। जी, ये आरोप का, इस आरोप का हम भी खंडन कर देते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं, देखिए सब अपना स्पेस खुद क्रिएट करते हैं और हम दोनों का बिल्कुल टीम वर्क रहता है, तो आप ये फूट डालने की कोशिश टाइगर पर लिखी हुई अगर किताब है तो टाइग्रेस का एक आक्रोश वाला जवाब चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम जो है, तो जब टेलीकास्ट होगा उसके पहले आप प्लीज कमेंट कर दें, कि कमेंट करें, शेयर करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इस प्रोग्राम को देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर सब करें, और इसे सोशल मीडिया पे शेयर भी करें, और इस इंटरव्यू को देखें जरूर। इसमें बस्तर टाइगर के साथ साथ जो है हम लोगों के बारे में भी कुछ जानकारियां, कुछ नई जानकारियां आप लोगों को जानने मिलेगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और बुक आपको जल्द Amazon पे उपलब्ध रहेगी।